हेलो क्या बताऊं, एक लड़का तो दरिंदों ने छीन लिया है मेरा, एक बच्चा मेरा बच्चा है, अब मैं उसी की सेवा पालन करूंगी और जो मेरे नसीब में बदा होगा वो होगा। मुझे चलना चाहिए कि जो रोता होगा जब तक मैं उसे नजर में नहीं देती। और पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के दारी, वो आंचल मेरा उमड़ रहा है बह दूध की धारी। लाल मेरा रोवती होई, लाल मेरा सोवती होई, लाल मेरा रोवती होई, लाल मेरा हाल मेरे रोत हो। भैया फटाफट काम करो, अब जनरेटर बराबर चल रहा है। हाय कोई मांगे करहिया न दे, जल छाड़ो। हेलो हाय मुंशी सोमय घर में, हाय मुंशी सोमय घर में, हाय सिंधी दुआरे जब सिटी मारे बजू पिछवारे। और ऊपर अब तो हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। जाओ हमारे लिए शराब लेकर आओ। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वो मुझे पीने का शौक स्वामी जी ठकुराई, ये क्या कर रहे हो? तो चार तो बोतल
मदिरा ही बन चुकी है हमारी दुल्हनी। और मुझको इस वक्त और तुम्हारी जरूरत नहीं, और जाया हाथ से चली स्वामी जी, ये दारू बड़ी खतरनाक चीज होती है। मैं आपसे यही कहती हूं कि दारू का सेवन मत करना। पारो कहो स्वामी जी, तुम ये बोतल मुझे दे दो। कभी नहीं दूंगी आपको बोतल, कभी नहीं दूंगी। ठाकुराइन ये बोतल मुझे दे दो। स्वामी जी, आपकी बेटी शादी करने के लायक हो चुकी है और तुम दारू पीते रहोगे, अपनी बेटी के बारे में तनिक भी नहीं सोचोगे, तो ये क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब हमारी बेटी का आज जन्मदिन है। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं इसीलिए तो कहती हूँ। ठीक, ये तो मैं बात भूल ही गया था। आज नौकर कहाँ का चला गया है? नौकर, हमारी बेटी का आज जन्मदिन है, जाओ सागर सिंह को बुला लो। हेलो भैया सागर सिंह। हेलो भैया सागर सिंह, खुश रहो खुश रहो। सागर सिंह बोले, ठाकुर साहब आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। सागर सिंह तुमसे एक काम है। अरे बोलो बोलो ठाकुर साहब, क्या काम है? और इस सागर सिंह इस बात को और तुम ना जाना, लेकर आए और हमारी हवेली को सजाई। ओह, आज हमारी लड़के का जन्मदिन है। ओहो, आज पूजा का दिन है। हाँ, लड़की पूजा करने जाएगी, इसीलिए मालिक से फूल लाना बहुत जरूरी है। मालिक यूं गया और यूं आया। ठीक है, मैं चलता हूँ। काका क्या बात है, क्या बात है काका? भैया देखिए, हमारा बेटा हाँ पढ़ने के लिए गया है स्कूल को। अच्छा काका, और अभी तक आया नहीं है और आता ही होगा। काका जी इंतजार करो, आपका बेटा आता होगा। वो देखो सामने से आ रहा है। Thank you.
अधूरा रह गया या कोई गुस्ताखी हो गई? बोलो कैसे याद किया है बेटा? अब बोलो सपने थे हमने पूरे किए पिताजी। तो इनके आपसे मैं ये उम्मीद है कि आप हमें छुट्टी दे दें घर बाहर से। बेटा ओ? अपनी आंखों से दूर आपके आंखों से दूर ना। पिताजी आप क्या कहेंगे हमको समझा दें? बेटा यही हमारा दिल चाहता है कि मेरे आंखों से तुम जुदा ना हो। क्यों? और अपनी पढ़ाई करो घर में रहो। पिताजी पढ़ाई लिखाई घर ही नहीं करेंगे और शेष समय जब मिलेगा तो आपके बगीचे में काम करेंगे। हाँ काम करो बेटा। पिताजी और कोई काम तो नहीं करना? और कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए? कोई काम नहीं। ठीक है पिताजी हमें एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हम आज घर नहीं आ पाएंगे। क्या करोगे? तू पिताया अब मैं चल रहा हेलो
हेलो हाय मैके से जब ससुर जाए हाय मैके से जब ससुर जाए छुप के पाऊं धरे क्या बताऊं अभी मेरा बेटा पता नहीं खेलने के लिए गया है अभी तक नहीं आया मगर उससे मुझे बहुत याद आती है और कि जब याद आए हाय बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद आए तन्हा अकेले गुजारा करूंगी तन्हा अकेले गुजारा करूंगी जब याद आए बहुत याद जीवन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम घर के बाहर जब चले जाते हो तो तुम्हारी बहुत मुझे याद आती है क्योंकि जब तलक अपने आंखों के सामने नहीं देखती हूँ तब तलक मेरा जी नहीं भरता है। आज क्या बात है माँ बहुत खुश नजर आ रही है। जीवन अपनी औलाद के आगे पर खुश नहीं आऊंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी तो तुम भी रोना शुरू कर दोगे इसलिए जब तुम्हें देखती हूँ तब मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ कि मेरा लाल ऐसा ना हो कि मुझसे पूछने लगा माँ तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। बैठिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। झुको शिष चरणों में है मेरी तुम्हें मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि स्कूल का टाइम हुआ करे तो तुम अवश्य स्कूल चले जाया करो और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो जब मैं तुम्हें सारी व्यवस्था करती हूँ
तो इतना तुम क्यों जी चुराते हो स्कूल जाने के लिए? माँ मैं बच्चों के चक्कर में पड़ जाता हूँ माँ, ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम पढ़ जाओगे कोई उन्नत पा जाओगे तो मेरा जी क्या कहेगा कि मेरा बेटा किसी प्रकार से कैसी हो नौकरी मिल जाएगी, तो मेरा जी बहुत खुश रहेगा। माँ मैं तुम्हें देखकर हमेशा खुश रहता हूँ माँ। सही स्कूल तुम्हें जाना है क्योंकि 8 बजने वाले हैं। अगर टाइम ऐसे ही लगाओगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी स्कूल में। ठीक है माँ, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि कब मुझे खुशी के दिन आएंगे। और कभी गम न देना, प्यार।
18 रत्ती हुई के जगह जगह देखा है। अब घर में करीब बात हेलो हाँ बुआ बप्पा अरे भैया इधर आओ के का बाबा क्या बात है? अरे बात क्या है कुछ नहीं। अरे वो सागर सिंह आने वाले हैं। आने दीजिए। हाँ तो बैठो आराम से। ओ लट्ठू काका राम राम लच्छू काका जय राम जय राम लच्छू काका नहीं लच्छू काका कैसे आना हुआ हाँ यही तो बात हम जानना चाहते थे आप कुछ बयान करें कैसे आना हुआ सब कुछ बताएंगे माली जी आपके पास हम कुछ काम के लिए आए हैं कैसे आए हो ठाकुर हमें पास में बैठाया है ठाकुर सुनूंगा सुनने के लिए तो आया हूँ अरे खुशी है साथ तो साथ चले आएंगे समझ में नहीं आया देखिए वो फूल लेने के लिए भेजा है तो फूल लेकर मैं नहीं जाऊंगा मेरी बात सुनो क्यों खुशी है सभी के लिए पर मेरे लिए ये क्यों खुशी है सभी के लिए पर मेरे लिए एक बात तुम कान खोल कर सुन लो ठाकुर ने सीधे शब्द में कहा है माली से कह दो कि फूल लेकर आए आज मेरी बेटी का जन्मदिन है मेरी बात सुनो कमीना कमीना आ गया तो फूल मत Thank you.
ठाकुर साहब को अमीना कमीना कहते हो और तुम नहीं जाओगे, ठाकुर साहब की जरूरत हो खुद चले आए हो। बोलो सुन लो, अगर तुम सीधे चलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना जबरदस्ती मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो जबरदस्ती ले जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। याद करो, अगर ठाकुर साहब को बात मालूम हुई तो माली ने फूल लाने से इनकार किया तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जाओ जिम्मेदार से कह दो जाकर के कि न तो माली फूल लेकर नहीं आएगा।